अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम बात करेंगे, जो हमारा लेक्चर होगा वो HTML के फॉर्म्स जो हमने कल छोड़े थे उस पे होगा, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे फाइवर के गिग्स के ऊपर, फाइवर के गिग्स के हवाले से, गिग डिस्क्रिप्शन के हवाले से। ठीक है, अब वो गिग डिस्क्रिप्शन का हम थोड़ा सा देख लेंगे कि गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किस किस तरह तरह से। तो ये दो चीज़ें हम देख लेंगे, HTML फॉर्म्स और फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन। अच्छा, दूसरी बात यह कि आज सबसे पहले तो आप अपने लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। दूसरी बात यह कि आज थर्सडे है, थर्सडे को आप लोगों ने कोई फॉर्म भी फिल करना होता है, फीडबैक फॉर्म, तो फीडबैक फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो जी, किसी का क्वेश्चन आया हुआ है? अगर क्लाइंट हमें हायर करे किसी वर्क के लिए हमारे गिग पर, वो प्राइस ना हो जो वर्क क्लाइंट करना चाहता है, तो फिर किस चैट बॉक्स में उस प्रोजेक्ट की बात करने के बाद किस तरह प्राइस फिक्स कर लेंगे, जिससे फाइवर को भी पता चले कि प्राइस फिक्स हुई है उस स्पेसिफाइड। यार, इस तरह इसके लिए ना आप ना कस्टम ऑफर बनाते हैं। ठीक है, मतलब आप चैट में अगर देखें, अगर मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, यहाँ पे हम देखते हैं फाइवर में। अच्छा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैसेजेस में जाते हैं, अच्छा यहाँ पे देखें अगर, तो ये क्रिएट एन ऑफर का बटन है। ठीक है, अब क्रिएट एन ऑफर में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी के गिग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कौन से गिग पे आपने ऑफर क्रिएट करनी है। ठीक है, और उसमें फिर आप माइलस्टोन बना सकते हैं कि कितने दिनों बाद कितनी अमाउंट लेनी है आपने। ठीक है, और अमाउंट, टोटल अमाउंट भी आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, 5,000 डॉलर मैक्सिमम तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने आपके कह लें कि इसके अंदर, मैसेजिंग के अंदर ये वाली ऑप्शन होती है क्रिएट एन ऑफर की। क्रिएट एन ऑफर पे जाके आप अपनी मर्जी से कोई भी गिग सेलेक्ट करनी है बस आपने, और यहाँ पे ऑफर लिखनी है अपनी। ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तब आपने काम शुरू करना है। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करता तो आपने काम शुरू नहीं करना। ठीक है, हाँ ठीक है, जुबैर, होपफुली आंसर मिल गया होगा आपको। अच्छा, किसी और ने पूछा है, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। किसी और ने पूछा है कि फीडबैक का लिंक, तो आप अनाउंसमेंट में जाएं। ठीक है, अनाउंसमेंट में मेरे ख्याल में सेकंड लिंक जो है वो फीडबैक का लिंक है। नहीं, अच्छा, फीडबैक जो होती है ना आपने अपने ई रोजगार के पोर्टल पे करनी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको, ये मैं कह देता हूँ कि ई रोजगार का पोर्टल होगा आपका, वहां पे जाके आपने फीडबैक करनी है। इस लिंक का मुझे नहीं पता, लेकिन जहां पे आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराए थे ना, वहां पे ही आपका फीडबैक लिंक होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे कल? जहाँ पे हम कल थे वहीं से शुरू करते हैं। मैं लेक्चर खोल लूँ। अच्छा, कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लें जल्दी से, 5-10 मिनट के अंदर, क्योंकि किधर गया ये।
ठीक है, तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, बल्कि मैं काम करता हूँ, जो मैंने आपको समरी दी है ना उसी से रिवाइज करता हूँ, ताकि आपको समरी का भी लिंक पता चल जाए। ठीक है, और हम आज के लेक्चर की भी समरी लिख लेंगे। कुछ मैसेजेस भी आए हैं, ये मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, ये किसी ने सवाल पूछा हुआ कि ये उसकी वेबसाइट है और ये किस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और इसका कोई भी पोर्शन चेंज करना हो तो वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इस बहुत आसान सा हल है इसका, कि आपने ना इसको इसका एडमिन पैनल होगा कोई, यहाँ से यूजुअली यही उसका एड्रेस होता है, यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे WP एडमिन पे जहाँ पे भी, और उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा, कोई भी यूजर नेम पासवर्ड आप डालेंगे, और फिर आपके पास ना बैक एंड आ जाएगा इसका, फिर वहां से आप इसकी कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूजर नेम पासवर्ड होगा वो डालें, और उसके बाद जो चीज एडिट करनी है आप मुझे बताएं, हम मैं आपको एजुकेट कर दूंगा उस बारे में, नहीं तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, 2-3 वीक्स तो हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये किसी ने फाइवर की प्रोफाइल भेजी है, बल्कि आपकी फाइवर की प्रोफाइल का भी मेरे ख्याल में आता जा रहा है, टाइम आता जा रहा है। अच्छा, प्रोफाइल पे अच्छी है आपकी, बैकग्राउंड और ग्रेडियंट थोड़ा सा डाला हुआ है आपने, और हेडशॉट है आपकी अच्छी, हेडशॉट एक्सपर्ट इन डाटा एंट्री। अच्छा, रेडी टू वर्क फुल टाइम, स्पेंड एक्टर कन्वर्ट हार्ड, आई हैव टू गो डिफरेंट जॉब लाइक कन्वर्टिंग वेटिंग। ठीक है, अच्छा, आई विल डाटा एंट्री, आई विल डेट एंट्री एंड टाइपिंग जॉब। गिग का टाइटल मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, ये गिग की डिस्क्रिप्शन ना आपकी बस ओके सी है, इसको हम काफी बेहतर कर सकते हैं। इसको बेहतर किस तरह से करेंगे, ये अगर हमें आज टाइम मिला ना तो ये मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, हम देखते हैं कल का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, टेबल्स क्या यूज होते हैं, टेबल्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने HTML को अगर फॉर्मेट करना है, HTML के लेआउट्स को, अब HTML में चीजें लिखता जाता हूँ ना तो वो क्या होता है, वो लाइन में आती जाती है, जिस तरह ये इस तरह लाइन में आ रही है ना, वो इस तरह लाइन में आती है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इस तरह का लेआउट सा क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके हम कुछ ऐसी चीजें देख ऐसे कह लें कि फ्रेमवर्क्स देखेंगे जो जो टेबल से इस्तेमाल करके खुद ही से करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता वो टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने कह लें कि जिस तरह से बूटस्ट्रैप है उसको यूज करके हम बड़े इजीली ये इस तरह का लेआउट भी बना सकते हैं, लेकिन वो बैकएंड पे वो टेबल या ग्रिड ही यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम टेबल बनाने के लिए, हम ये मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मैं इसमें नहीं इसमें खोलता हूँ, ताकि हमें पढ़ा जाए क्या लिखा। टेबल बनाने के लिए हम टेबल का टैग यूज करते हैं। ठीक है, ये टेबल टैग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम रोज बनाते जाते हैं। ठीक है, TR। ठीक है, हम कॉलम्स नहीं बनाते, हम रोज बनाते हैं। ठीक है, अब एक रो बना ली हमने, उसके अंदर में एक सेल बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जिस तरह से ये मैंने TR बनाया। ठीक है, अब टेबल रो एक रो बना ली। ठीक है, यहाँ पे एक रो खत्म हो गई, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रोज बनाता हूँ, मैं कॉलम्स नहीं बनाता। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम टेबल डाटा बनाते हैं। ठीक है, TD बनाते हैं। अब TD से क्या होता है कि एक कॉलम बन जाता है, एक सेल बन जाता है, या रो का एक कॉलम, रो के अंदर एक कॉलम बन जाता है। जितने भी कॉलम मैंने बनाने होंगे रो के अंदर, वो मैं रो के उस तरह से मैं बना सकता हूँ। अच्छा जी, फिर हमने देखे थे कुछ एट्रीब्यूट, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का। ठीक है, सेल स्पेसिंग होती है दो सेल्स के दरमियान स्पेस, दो जो हमारे टेबल के सेल होंगे उनके दरमियान स्पेस। सेल पैडिंग होती है जो कंटेंट है और टेबल का जो बॉर्डर है उसके दरमियान में स्पेस।
ठीक है। फिर कॉलम स्पैन होता है कि कितने कॉलम्स पे मैंने एक सेल को लेके जाना है, और रो स्पैन होता है कि कितने रोज को मैंने एक सेल को कितनी रोज देनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ से इतनी बात। हाँ, फिर दो दो तीन बातें और थी। जिस तरह हमने विड्थ 100% दी थी, इसका क्या मतलब था कि जिस तरह हमारी आउटपुट, अभी तो अजीब सी आई हुई है, ये आउटपुट थी हमारी, तो इसमें देखेंगे विड्थ 100% का मतलब है कि जब जितनी भी स्क्रीन होगी ना उसके 100% पे ये मेरी जो टेबल है, ये जो मेरा टेबल है वो आ रहा होगा। अगर मैं अपना टेबल को छोटा कर देता हूँ तो वो टेबल, अगर मैं अपनी स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ या अपनी विंडो को छोटा कर देता हूँ, व्यू पोर्ट को छोटा कर देता हूँ, तो वो उस हिसाब से मेरा टेबल एडजस्ट हो जाएगा। उसमें हमेशा 100% ऑफ द विड्थ आना है व्यू पोर्ट के, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो मेरा एक्सपीरियंस है, दोनों आप कह लेंगे, इससे जो मेरा लेआउट है वो हमेशा ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग डाल भी इसका मैंने बता दिया था। फिर कुछ एट्रीब्यूट्स थे, बॉर्डर कलर, बीजी कलर वगैरह, और भी एट्रीब्यूट्स हैं इसके, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फाइल भी मैंने आपको दी हुई थी, अगर आपने रेफरेंस कुछ इसको समझना आ रही है तो वो देख सकते हैं। अच्छा, ये लेक्चर 4 नहीं, लेक्चर 5 था ये, ठीक है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, बल्कि लेक्चर 6 था, सॉरी। अब हम आज देखेंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे आज जरा हम स्पीडली काम करें, फॉर्म्स। अच्छा जी, HTML फॉर्म्स में हमने देखा था, पहले हमने फॉर्म शुरू कर दिए थे यहाँ पे लेक्चर, HTML फॉर्म्स पे आ जाते हैं हम, के फॉर्म्स हम किस लिए यूज करते हैं। अब देखें, HTML में जितनी भी चीजें देखने को थी हमने तकरीबन सारी की सारी देख ली हैं। उनमें क्या क्या चीजें थी कि डाटा आप किस लिए किस तरह से लाते हैं, जिसमें आप कंटेंट किस तरह से डालते हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, हाइपरलिंक, वीडियोस, ठीक है। ये जो दिखाना था हमने वो तो दिखा लिया। अब HTML एक और काम के लिए भी यूज होती है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए, यूजर से डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। वेबसाइट में दोनों तरीके के काम होते हैं, जिस तरह यहाँ पे स्लैक में देखें, स्लैक में तो होता ही ये काम है, जिस तरह से ये वाली चीज इंफॉर्मेशन ले लिए किसी बारे में, ये वाली जो फील्ड है ये किसी बारे में इंफॉर्मेशन ले लिए। तो अब यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम फॉर्म्स बनाते हैं, HTML फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। और फिर अच्छा, अब यूजर से इंफॉर्मेशन तो ले लेता है HTML फॉर्म, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ली है उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, उसको स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। उसको प्रोसेस और स्टोर करने के लिए फिर हमें PHP और इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने फॉर्म बनाया था, यहाँ पे हम खुद दोबारा से फॉर्म बना लेते हैं। ये एक फॉर्म था, ठीक है, छोटा सा फॉर्म था, लॉगिन फॉर्म। हम इसको फॉर्म को ओपन करते हैं, ये मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि क्या क्या चीजें। अच्छा, सबसे पहले जो दो चीजें थी, ये HTML फॉर्म, इसको हम कह देते हैं सैंपल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्म में दो एट्रीब्यूट है, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, इनपुट टाइप लॉगिन को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। अब दो चीजें थी फॉर्म के अंदर, एक एक्शन और एक मेथड, ठीक है। अब ये वाली चीजें आप कह लें कि ये हम अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको डिटेल में हम तब देखेंगे जब इसको यूज करेंगे, PHP के अंदर हम यूज कर रहे होंगे तब देखेंगे। अभी के लिए आप इतना देख लें कि एक्शन वो वाली, यहाँ पे इस स्क्रिप्ट का एड्रेस होगा जहाँ पे मैंने डाटा को प्रोसेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉग इन किया होगा तो login.php की स्क्रिप्ट होगी कोई, ठीक है। अगर रजिस्टर होगा तो register.php की होगी, या JS, या जो भी आपने जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी स्क्रिप्ट होगी। लेकिन अभी हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो हम हैशटैग यूज करते हैं। हैशटैग का मतलब होता है कि इसी जगह पे, इसी पेज के ऊपर, जिस पेज पे ये लिखा हुआ है उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर ले। फिर मेथड का था, गेट और पोस्ट हमारे पास पॉपुलर मेथड होते हैं, ठीक है। अब गेट मेथड क्या करता है, URL में इंफॉर्मेशन डाल देता है। पोस्ट मेथड क्या करता है, URL में इंफॉर्मेशन नहीं डालता, HTTP हेडर्स में इंफॉर्मेशन सेट करता है,
ठीक है। इन दोनों की अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी पीछे डाटा प्रोसेस नहीं करना, अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ये हम वैसे लिख लेते हैं। अच्छा, अब फॉर्म, अब जो फॉर्म्स होते हैं उसके काफी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिस तरह से यहाँ पे देखें आप, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल दैट यू कैन यूज टू कलेक्ट डाटा। अब काफी सारे डाटा कलेक्ट करने के लिए यूजर से काफी सारे हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल क्या होगा, आप नाम से ही देख सकते हैं कि ऐसा कह लें कि ऐसी फील्ड होगी जिसमें हम टेक्स्ट को इनपुट कर सकें, ठीक है। फिर हमारे पास चेक बॉक्सेस कंट्रोल होगा। चेक बॉक्स कंट्रोल क्या होते हैं, वो टिक मार्क करने वाले जो कंट्रोल होते हैं आपको HTML में नजर आते हैं, वो चेक बॉक्सेस कंट्रोल होते हैं। फिर रेडियो बॉक्स कंट्रोल है। रेडियो बॉक्स कंट्रोल क्या होते हैं, वो गोल गोल से बटन होते हैं, उनको उनके ऊपर आप टिक करें तो वो ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम रेडियो बॉक्स कंट्रोल कहते हैं। सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होगा, इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं आप, अगर आप आसान लफ्जों में, ठीक है। और या सेलेक्ट बॉक्स के मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ एक लिस्ट के अंदर से, ठीक है। फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस के, फाइल को अपलोड वगैरह करना हो। फिर हिडन कंट्रोल्स होते हैं। हिडन कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे अभी। ये किस लिए यूज होते हैं, ये आप कह लें कि ये ऑन आप इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा यूज होते हैं हिडन कंट्रोल्स, ठीक है। फिर क्लिकेबल बटन, ठीक है। जिस तरह हमने एक बटन डाला था कल, सबमिट का बटन डाला था, वो हम देखेंगे कि किस तरह से डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं हम टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल पे। कल हमने डाल भी लिया था लेकिन हम दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल की ना तीन टाइप्स होती हैं। कल हमने दो टाइप्स डाली थी, उसको दोबारा से देखते हैं। एक है सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, ठीक है। दूसरा है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, और तीसरा है फिर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। अभी हम पहले दो देख लेते हैं, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, ठीक है, और एक पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। आपने यूजुअली देखा होगा कहीं भी आप लॉगिन वगैरह करते हैं, रजिस्टर करते हैं, या कहीं भी इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, तो वहां पे आपको ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल नजर आएगा। अच्छा, अब ये टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल डालते कैसे हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखना है, जिस तरह फर्स्ट नेम के लिए मैंने कुछ डालना है, ठीक है। तो अब इसको, इसका टैग क्या है, इसका टैग है इनपुट, ठीक है। फिर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि ये इनपुट टाइप कौन सी है। यहाँ पे आपको वैसे नजर भी आ रहा होगा डेट, फाइल, हिडन, नंबर, पासवर्ड, रेंज, रीसेट, ये सारा कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर डालता हूँ अभी, नेम का, ठीक है। अब ये नेम का एट्रीब्यूट क्यों डाल रहा होता हूँ, क्योंकि अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये कल भी हमने किया था ना, जिस तरह से ये फर्स्ट नेम है तो इसको मैं एफ नेम कर देता हूँ। अच्छा, ये अब, अच्छा ये इसको मैं अभी थोड़ा देर में आपको बताता हूँ, पहले देख लेते हैं अपनी आउटपुट। ठीक है, ये अब ये फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, माज मैं लिखा है तो ये, ठीक है, ये फर्स्ट नेम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने, जिस तरह से अगर मैंने दो डाल लिए, फर्स्ट नेम और ये मैंने डाल लिया लास्ट नेम, ठीक है। अब ये दो नेम, दो इनपुट फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक फर्स्ट नेम की है और एक लास्ट नेम की है, ठीक है। इसमें हम एक लाइन ब्रेक डाल देते हैं और लाइन ब्रेक डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा रीडेबिलिटी आसान हो जाए हमारी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे दो हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट नेम कौन सा, ये वाली जो है ये फर्स्ट नेम की है और ये वाली इसमें जो है वो लास्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मैं ये माज और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूंगा ना, ये सबमिट करूंगा, यहाँ पे देखें ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, एफ नेम, ठीक है। तो एफ नेम किसका नाम रखा हुआ था मैंने, एफ नेम रखा हुआ था इस टेक्स्ट फील्ड का नाम, ठीक
ठीक है। और इस वाली टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है? इस वाली टेक्स्ट फील्ड का नाम है लास्ट नेम, ठीक है। तो ये नेम किस लिए होते हैं? ये नेम होते हैं प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे, कि जब मैंने डेटा गेट करना होगा कि फर्स्ट नेम में क्या लिखा हुआ था और लास्ट नेम में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो और तो कोई तरीका नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारी इंपॉर्टेंट इसकी फील्ड होती हैं। जिस तरह से टाइप तो हमने देख लिया कि टाइप टेक्स्ट रखी थी, तो ये हमारा इनपुट कंट्रोल इस तरह से नजर आ रहा है। इनपुट टाइप टेक्स्ट की वजह से हमें ये कंट्रोल नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? नेम। अब नेम किस लिए यूज करते हैं हम? कि हमें आइडिया हो जाए कि जो किस फील्ड को मैंने कॉल करना है और वहां से मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या काम करती है? अगर अगर मैं चाहता हूँ कि पहले से कुछ ना कुछ वहां पे लिखा हुआ, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं अगर करता हूँ लास्ट नेम, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये देखे, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो फॉर्म जब आ रहा है उसके अंदर फर्स्ट नेम तो खाली है, लेकिन लास्ट नेम के ऊपर अहमद लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो लास्ट नेम के ऊपर अहमद क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने वैल्यूज की अहमद पहले से सेट की हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं फॉर्म्स के बारे में डाटा यहाँ पे समरी भी लिखते जाऊँ थोड़ी थोड़ी। फॉर्म्स आर यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, जिस तरह लॉग इन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, उस तरह के फॉर्म होते हैं, ठीक है। यूजिंग फॉर्म टैग, और हमने क्या देखा था? इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग। अच्छा, नेमली कौन कौन से थे? एक था एक्शन, एक्शन और मेथड, एक्शन स्पेसिफाई, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना था? इनपुट सेवरल इनपुट कंट्रोल्स, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट। तो इसकी मैं ना एग्जांपल आपको उत्तर कोड में दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आएगा ना, वो सारा कुछ हम कोड के अंदर कर लेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज के ऊपर मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ थोड़े से। सर,
सर वेपलाइजर का दोबारा बता दें, मैं दोबारा बताता हूँ वेपलाइजर का। यहाँ पे देखें आप गूगल पे जाएं, ठीक है, वेपलाइजर लिखें, वेपलाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर आपने क्रोम की एक्सटेंशन करनी है क्रोम की कर लें, या अगर आपने फायरफॉक्स की करनी है तो यहाँ फायरफॉक्स, ये मोजिला फायरफॉक्स की आ रही होगी, ठीक है। ये वेपलाइजर पे क्लिक करें क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर, ठीक है। मेरे पास एडिट है एक्सटेंशन, तो मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम का आ रहा होगा। आपके पास ऐड नहीं है तो ऐड टू क्रोम का बटन आ रहा होगा, तो आप ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक करें तो वो ऐड हो जाएगी क्रोम के ऊपर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि कोई भी वेबसाइट लोड करते हैं ना आप, जिस तरह से ये फाइबर आपने वेबसाइट लोड की है, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ये बता देगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हुई है, ठीक है। ये विजिट्स कौन किस किस चीजों के विजिट यूज हुए हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक के विजिट्स यूज हुए हुए हैं, कार्ड फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, जेएस रिक्वायर जेएस यूज किया हुआ है, स्टाइल कंपोनेंट यूज किया हुआ है, रिएक्ट के अंदर ये बना हुआ पेज, वेब फ्रेमवर्क रूबी ऑन रेल्स है, ठीक है, तो ये रूबी के अंदर ये बनी हुई है साइट। तो इस तरह से आपको काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी किसी भी वेबसाइट के बारे में, कि वो वेबसाइट किस में बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, टेबल्स वाला दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ये कर दिया था मैंने, एचटीएमएल टेबल अगेन थोड़ा सा रिपीट करते हैं, कर दिया था मैंने। सर आई ट्राई टू मेक सीवी यूजिंग टेबल ओनली, आई वॉन्ट टू सेट वर्ड सीवी इन द मिडल ऑफ द पेज बट कैन नॉट, स्कूल सेट इट इज नॉट पॉसिबल इन HTML5। यार ये बड़ा आसान है, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सीवी लिखना है, अभी लिख लेते हैं हम, इसमें कौन सी ऐसी बात है, इसको एडिट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, हम कहते हैं कि एक रो मैंने टॉप पे डाल देता हूँ, टेबल रो, ठीक है। अब इसमें ना तीन डाटा सेल डालता हूँ मैं, TD, इसको ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ना मैं करता हूँ इसकी विड्थ रख देता हूँ, कितनी विड्थ रखे हैं हम इसकी, 40%, 35%, तो अब इसी तरह यही वेट में रखता हूं इसकी 5%, और यहां पे मैं लिख लेता हूँ H1 के अंदर CV, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ पे नजर आएगी मुझे, ठीक है, ये तकरीबन पेज के दरम्यान ही है, ये मैंने 35% किया, इसको मैं 40% कर देता हूँ, या 45 कर देते हैं शायद, तब ठीक है। तो आप देखें ये दरमियान में सीधी लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, असल में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने टेबल्स को कैसे यूज करना है फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। अब ये वाला सेल खाली है, ये वाला सेल खाली है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ आपको ये दिखा भी देता हूँ, इसको हम, ये ब्लू कलर काफी गंदा लग रहा है, ठीक है, और इसको हम बॉर्डर को इनेबल कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है, ये स्पेस आ गई, ये स्पेस आ गई, और दरमियान में मैंने सीवी लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर भी नहीं किया हुआ, ठीक है, तो ये हमने स्पेसेस यूज करने हैं। अब जिस तरह से मैं चाह रहा था कि ये इमेज जो है राइट साइड पे है, तो मैंने क्या किया, ये सेल है एक, ये खाली एम्प्टी स्पेस है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ मैं, ऐसे ही लगेगा कि सेंटर में लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा जी सर, TDTRTDNTH टैग्स की एब्रीविएशन बता दें, TR टेबल रो के लिए, TD टेबल डाटा के लिए, और TH जो है वो टेबल हेड के लिए। स्क्रीन ब्लर है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा यार। ये हो सकता है आपकी तरफ से ना इंटरनेट का इशू हो, या हो सकता है मेरी तरफ से भी हो, लेकिन आप अगर आपका स्क्रीन की ब्लर थोड़ा सा नजर आता है ना, तो आप इतने से पोर्शन को दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो होगा ये 24 आवर्स के लिए ऑनलाइन रहेगा।
कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाउ टू सेंटर लाइन टेक्स्ट एंड टेबल, ठीक है, इसको स्टाइल से यूज करते हैं, ये हम आगे जाके देख लेंगे सीएसएस के अंदर कैसे करना है। इफ यू एड वैल्यू वी कैन स्टिल फिल द आईटी और इट विल बी कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंट। ये मुझे समझ नहीं आई आप क्या क्या रहे हैं, किस बारे में सवाल है। अच्छा वैल्यू उसके बारे में पूछ रहे हैं, इस ये वाले सॉरी फॉर्म के बारे में। तो जो फॉर्म के अंदर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ ना, तो ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा, लेकिन अच्छी ये अच्छी बात नहीं होती कि मैं पहले से फिल करके फॉर्म दे दूँ उसको। ये ऑटो फिल की ऑप्शन होती है आपके ब्राउजर के अंदर। समझ नहीं आ रही ड्यू टू डिस्टॉर्शन। इफ यू एड वैल्यू यू कैन स्टिल फिल इट, अच्छा ये तो वही है। सर स्लैग का ज्वाइनिंग लिंक बता दें, मैं ये क्लास के बाद आपको दोबारा कमेंट कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नाम आपका, तो मैं ना आपको स्लैग के लिंक पे दोबारा कर दूंगा। हाँ टी आर टेबल, हाँ ये लिख लिख दिया किसी ने। अच्छा ट्राई फ्रॉम मोबाइल विल बी क्लियर। अच्छा जी कहाँ पे थे हम, फॉर्म के अंदर, फॉर्म से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा हम फॉर्म के डेटा देख रहे थे। अच्छा वैल्यू लिख लिया हमने, फिर हम साइज लिख लेते हैं। साइज होता है कि आपने कितने कैरेक्टर्स तक अलाउ करना है, ठीक है। साइज के वैल्यू भी आप ट्राई कर लें यहाँ पे। साइज अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, ये इसको ओवर राइट कर देगा मेरे ख्याल से। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यार देखें ये टेक्स्ट का वो छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। अब मैक्सिमम लेंथ में क्या होता है कि कितने करेक्टर्स में एंटर कर सकते हो। मैक्स लेंथ हम इसको 5 करके देख लेते हैं। 5 वर्ड्स ही हैं, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 5 से ज्यादा लिख नहीं रहा, ठीक है। ये जिस तरह 1 2 3 4 5 उससे आगे लिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए। अच्छा इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर क्या होता है कि कई दफा आपने लिखा होगा कि इस तरह से मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, या यहाँ पे लिख देता हूँ राइट योर नेम हियर, ठीक है। तो अब ये आप देखें कि इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा तो वो हटना शुरू हो जाएगा। तो वैल्यू में हार्ड कोडेड वैल्यू लिखी हुई होती है, और प्लेस होल्डर में क्या होता है, प्लेस होल्डर में जिस तरह से मैसेज लिखा होता है ना कि अपना यूजर नेम यहाँ पे डालें, फलाना यहाँ पे डालें, तो वो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम किससे करते हैं हम, प्लेस होल्डर से, ठीक है। और वैल्यू क्या करती है, वो हार्ड कोडेड वैल्यू अंदर डाल देती है। साइज जो है वो मेरा ये वाला जो साइज है इसको कंट्रोल करती है। और मैक्सिमम लेंथ क्या करती है, मैक्सिमम लेंथ बताती है कि मैं कितने कैरेक्टर इसमें एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। W3 स्कूल्स, और यहाँ पे इनपुट HTML के अंदर। अच्छा रेफरेंसेस में जाएं आप, HTML टैग रेफरेंस में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा इनपुट, ये इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप के बारे में सारा कुछ बता दिया इसने, ठीक है। हम कुछ काफी सारी टाइप्स देखेंगे, और यहाँ पे ना ये एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट्स के बारे में क्या, काफी सारी चीजें कि ऑटो फोकस, जिस तरह ऑटो फोकस में क्या होता है कि जैसे ही पेज लोड हो ना, जिस तरह मैं ये पेज लोड करूँ तो वो जो फोकस है वो यहाँ पे आ जाए डायरेक्टली, ठीक है। और चेक ये हम आगे जाके यूज भी करेंगे, ठीक है। फॉर्म एक्शन ये हम बटन के साथ यूज करेंगे। फॉर्म टारगेट ये भी हम बटन के साथ यूज कर सकते हैं। मैक्स मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ, ये सारी की सारी चीजें आपको ना बता देगी ये क्या क्या कुछ कर सकती है, ठीक है। अच्छा अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं, और मैं ना आपके पास, अच्छा क्वेश्चन आगे फिर से सर, जो कि फाइव लिंक स्लैग पे शेयर कर दें, उसका यूजर नेम बता दें।
यार आलियान इसी तरह लिखेंगे ना आप तो वैसे आ जाएगा, लेकिन मैं शेयर भी कर देता हूँ। कहाँ पे करूँ, जनरल में कर दूँ? अच्छा कोई क्यूरीज और भी थी, मैं वो देख लेता हूँ, कोई मुझे कह रहा था स्लैक पे चेक कर लें। अच्छा ये किसी ने पूछा है हाउ टू इंसर्ट लोगो हेयर इन हाइलाइटेड स्पेस, ठीक है तो ये होता है फेव आइकन, ठीक है आप देखें कि किधर है। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करें फेव आइकन तो वो आपको बता देगा। यूजुअली फाइल आपने रखनी होती है फेव आइकन की, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका थ्रेड में। सर इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब टू फ्रीलांसर है, ठीक है इंडस्ट्री में ना ये आ जाती है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है और इसमें और कोई सॉफ्टवेयर वगैरह रिलेटेड नहीं है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक हो गया। अच्छा सवाल किसी के हैं ये, हाँ सॉरी ये मुझे याद ही नहीं रहा, कल देखना सर में टाइम आज के मेरे पास काफ़ी कम होता है, बाकी किसी के सवाल है तो जनरल पे पूछ ले उसको मैं देख लूँगा। सर यस्टरडे लेक्चर असाइनमेंट आई कैन सबमिट ड्यू टू सम रीजन आई कैन सेंड टुडे प्लीज। हाँ जी आप अभी भेज सकते हैं असाइनमेंट, कोई मसला नहीं है इसमें इतना ज़्यादा। सर प्लीज़ चेक माई क्यूरी ऑन स्लैक, उबैदुर रहमान आप ही क्यूरी थी जनरल के अंदर। हाँ ये सही है, मैंने आपकी क्यूरी हाँ आंसर कर दिया। सर जी स्लैक का ज्वाइनिंग चाहिए यार, ये मैं दोबारा आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। सर अटेंडेंस लिंक डेली शेयर कर दिया करें। यार अटेंडेंस लिंक ये शेयर हुआ हुआ है, आप जाएं अपने ग्रुप के अंदर, यहाँ पे अनाउंसमेंट में क्लिक करें, ये पहला लिंक जो है ना ये अटेंडेंस का लिंक है, ठीक है। अच्छा ये हम मेरे ख्याल में एक मैं पासवर्ड का इनपुट कंट्रोल डालता हूँ और ये आपको फाइल ना सेंड कर देता हूँ ताकि आप इसको स्लैक के ऊपर देख सकें। अच्छा अब पासवर्ड के लिए, पासवर्ड का इनपुट कंट्रोल डालना, तो उसके लिए हमने क्या करना है, बहुत ही आसान है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ और इनपुट टाइप, ठीक है जिस तरह सिंगल टेक्स्ट था ना इनपुट टाइप टेक्स्ट था, इस तरह टाइप पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है नेम इसका पासवर्ड रख देते हैं और इसमें ना प्लेस होल्डर रख लेते हैं, प्लेस होल्डर राइट योर पासवर्ड, ठीक है और ये इनपुट टैग क्लोज कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आया है आउटपुट के अंदर। ये फॉर्म है मेरा, ठीक है तो ये राइट योर पासवर्ड ये आ गया और इसके अंदर मैं लिखूंगा, तो अब देखें कि स्टार स्टारे किया आप कह लें कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ये वाली फाइल ना मैं आपको जल्दी से सेंड कर देता हूँ, इसको के कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे जनरल के अंदर, ताकि जिसने अभी तक नहीं बनाई वो ये वाली फाइल बना ले। या अच्छा जी ठीक हो गया। सर मैंने स्लैग पे कल के टॉपिक की प्रैक्टिस सेंड की थी, चेक करके बता दें, ये मैं चेक कर लेता हूँ, लेक्चर वगैरह लेक्चर हमारा काफ़ी सारा रहता है उसको हम देखते रहते हैं, ये मैंने सेंड कर दिया। अगर इसके पास कह लें कि किसी से कोड नहीं हुआ था अभी तक तो वो उस फाइल को ले लें, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आया था मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, कई दफ़ा होता है कि जिस तरह से हमारे हमने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी थी तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी स्पेस चाहिए होती है या मल्टी लाइन चाहिए होती है, जो हमने अभी तक देखे हैं वो सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल है, ठीक है यहाँ ये सिंगल लाइन ही है ना सारे, ये भी एक लाइन पे, ये भी एक लाइन पे, ये भी एक लाइन पे, ठीक है तो हम देखते हैं अब मल्टी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टी
मल्टी लाइन के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली अच्छा, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसकी रोज और कॉलम्स देते हैं मेरे ख्याल में, रोज इक्वल टू 5 और कॉलम देते हैं हम 20, ठीक है। और ये टेक्स्ट एरिया रहता है, ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया आ गया, ठीक है। ये आप मल्टी लाइन में इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने रोज और कॉलम जो है ना, अच्छा ये ड्रैगेबल है, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, छोटा करना चाहूँ, ये अब ये मेरे साइज का है, लेकिन इसको फिक्स करना चाहूँ तो मैं फिक्स भी कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया, यहाँ से देखता हूँ इसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑटो फोकस, कॉलम्स, कॉलम्स क्या कहता है, स्पेसिफाई विजिबल विड्थ ऑफ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अभी मैंने 15 रखी हुई है तो थोड़ी, 20 रखी हुई है तो थोड़ी है, तो इसको मैं कर देता हूँ 40, ठीक है, आधे पेज पे आ जाएगा तकरीबन। और मैक्सिमम लेंथ, प्लेस होल्डर, रीड ओनली रिक्वायर्ड, रैप, ठीक है। स्पेसिफाई हाउ द टेक्स्ट इन द एरिया इज टू बी रैप्ड व्हेन द सबमिटेड इन फॉर्म। अच्छा जी सर, क्या सर्च बार भी फॉर्म के थ्रू ही बनेगा? यार ये जो सर्च बार होती है ना, इसमें होता क्या है, इसमें एक इनपुट फील्ड होती है बस, और कुछ नहीं होता HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सारा काम जिस तरह से ये है, आप लिखेंगे सर्च, मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे सर्च और यहाँ पे आपने क्या डालना है, एक इनपुट एरिया टेक्स्ट फील्ड ही डालनी है, इनपुट टाइप, इसमें सर्च करेंगे आप टेक्स्ट, इन यूजर से इंफॉर्मेशन किसमें लेनी है आपने, टेक्स्ट में लेनी है ना, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, नेम सर्च बॉक्स लिखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आधा काम, आधे से भी बल्कि कम 20% काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, कि आपने एक सर्च का बटन लगा दिया, ठीक है, ये आपका ना सर्च का इंटरफेस बन गया, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे मैं कोई भी चीज लिखूंगा, उसको सर्च करना, डेटाबेस के साथ मैच करना, ये बाकी सारा काम जो है ना वो PHP करेगी या जावास्क्रिप्ट या जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बैकएंड पे, वो उसने काम करना है बाकी सारा, ठीक है। तो HTML ने क्या करना होता है, HTML ने खाली दिखाना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है, बाकी सारा जो काम है वो सारा बैकएंड लैंग्वेज का काम होता है या डेटाबेस के अंदर, क्योंकि सर्च तो यूजुअली डेटाबेस के ऊपर ही करते हैं हम, तो बाकी सारा काम बैकएंड और डेटाबेस का होता है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। अच्छा जी, बहुत सिंपल था, इसमें रोज एंड कॉलम्स हैं और बाकी सारी चीजें हैं। अच्छा अब हम आए थे चेकबॉक्स कंट्रोल पे, ये चेकबॉक्स और रेडियो बटन कंट्रोल्स, ये थोड़ा काफी ज्यादा यूज होते हैं, इनमें फर्क क्या है और ये सिमिलर कैसे हैं, ये हम देख लेते हैं अभी। चेक बॉक्सेस, अच्छा ये यूज क्यों करते हैं, अगर जब हमारे पास ये इनपुट फील्ड है ये वाली, तो हम चेक बॉक्सेस क्यों यूज करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इनपुट फील्ड से भी तो यूज कर सकते हैं ना चीजें, तो चेक बॉक्सेस क्यों यूज करते हैं, इसको हम देखते हैं अभी। चेक बॉक्सेस आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड, दे आर ऑल्सो क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट टैग, बट द एट्रीब्यूट इज सेट टू चेक बॉक्स, ठीक है। तो हम चेक बॉक्स डालते हैं यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे डाल देते हैं, एक स्पेस कॉपी करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ टेक्स्ट, सॉरी इनपुट टाइप। अब यहाँ पे टाइप में जहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना था वहां पे मैं चेकबॉक्स लिखूंगा, ठीक है। और वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, इसको ना यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह से करते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं
बीआर डाल देते हैं एक, और यहाँ पे लिखते हैं मैथ्स और फिजिक्स, इसी तरह लिखा हुआ है। मैथ्स और फिजिक्स नजर नहीं आ रहे होंगे लेकिन दो चेक बॉक्सेस बन गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें दो चेक बॉक्सेस बन गए, सब्जेक्ट ये और ये, ठीक है। अब इसके सामने मैथ्स के सामने मैं मैथ्स लिख देता हूँ, ठीक है, और इसके सामने मैं फिजिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं कोई अगर मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो वो मैं उसको चेक या अनचेक कर सकता हूँ। अच्छा, अब चेक बॉक्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपका जो लिंक है कौन सा वाला वाला अटेंडेंस का लिंक, ये वाला अटेंडेंस का लिंक, यहाँ पे चेकबॉक्स नहीं है मेरे ख्याल में, यहाँ पे रेडियो बटन है एक, ठीक है। अब रेडियो बटन क्यों है यहाँ पे, यहाँ पे पहले डोमेन में तीन डोमेन होते थे, यहाँ पे इन्होंने एक ही डोमेन रखी हुई है। पर अगर तीन डोमेन होती है ना तो उसमें रेडियो बटन यूज होता है, लेकिन खैर अगर यहाँ इस यहाँ पे भी रेडियो बटन क्यों है, यहाँ पे जिस तरह ये नेम है, इस तरह का हमें टेक्स्ट इनपुट एरिया क्यों नहीं लिख दिया टेक्स्ट, ठीक है। तो होता ये है कि अगर आप इस तरह से ओपन फील्ड्स छोड़ देना तो कई बंदे क्या करेंगे, अगर जिस तरह से मेरा नाम है माज, ठीक है, डेटाबेस में भी मेरा नाम माज लिखा होगा अगर मैं इनरोल्ड स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं टाइपो कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ MUAZ, 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 मैं इस तरह लिख देता हूँ, तो ये भी एंट्री चली जाएगी डेटाबेस के अंदर, और असल में मेरा नाम क्या लिखा होगा, मेरा नाम MAAZ लिखा हुआ होगा, तो होगा क्या कि वो मसला हो जाएगा, यूजर एंटर करते हुए इंसान है क्योंकि वो गलती कर सकता है, तो इसलिए आप कह लें कि इनपुट अगर मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू होगी या ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, इसमें दो ही वैल्यूज है ना, या मैथ्स होगी या फिजिक्स होगी, ठीक है, वो वैल्यू भी मैंने लिख ली है, या मैथ्स होगी या फिजिक्स होगी, ठीक है, ये दो वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कह लें कि आपको मैं वो बना के दे देता हूँ, इनपुट एरिया बना के दे देता हूँ, तो लोग मैथ्स के स्पेलिंग गलत लिखेंगे, फिजिक्स के स्पेलिंग गलत लिखेंगे, होगा क्या कि बैक एंड पे मुझे काफी सारे मसले आएंगे, तो इसलिए हम ये चेक बॉक्सेस यूज करते हैं ताकि जो वैल्यू है वो वही हो जो हमारे बैक एंड पे स्टोर हुई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, जिस तरह से अगर मैं इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इधर चेक पे लिखता हूँ, अब देखें कि ऑटोमेटिकली जो फिजिक्स है वो ऑटोमेटिकली चेक हुई भी होगी, ठीक है। और मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने नेम नहीं रखा, अच्छा जी ये हो गया, ठीक है। सवाल क्या है सर, डिस्क्रिप्शन बॉर्डर के सेंटर में नहीं आ सकती जैसे अभी लास्ट कॉर्नर पे लिखा आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आई सवाल की, दोबारा से। डिस्क्रिप्शन बॉर्डर के सेंटर में नहीं आ सकती, डिस्क्रिप्शन बॉर्डर के सेंटर में मतलब, चलो दोबारा पूछ लिए, मुझे समझ नहीं सवाल की। इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट यूजर नॉट टू टाइप समथिंग सर्टेन कैरेक्टर इन टेक्स्ट बुक फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा, अच्छा ये आपने वो जवाब दे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर्च के बटन पे क्लिक करने से सर्च बार शो हो, हाँ जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ये आप JS में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और सर ये BR BR डबल क्यों यूज कर रहे हैं इस कोड में, यार ये BR डबल में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको ना स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, आप मोबाइल के ऊपर देख रहे होते हैं, किसी के ऊपर देख रहे होते हैं, तो ये स्पेस में ज्यादा करता हूँ ना तो फॉर्म जरा अच्छा नजर आता है। अच्छा जी सर, प्लेस होल्डर के बाद उसमें पैटर्न भी तो
बता सकते हैं लाइक फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड फर्स्ट न्यूमेरिक वर्ड या कोई करेक्ट वर्ड। हाँ जी आप ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। टू लाइन ब्रेक बटन कॉन्टेंट जवाब दे दिया सर, स्क्रीन ब्लर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं इसलिए डबल स्पेस और कैपिटल करके यूज करता हूँ। आप ना ये जिसको थोड़ा सा ब्लर आता है ना, वो बाद में वीडियो जो अपलोड होगी ना उसमें से वो थोड़ा सा पोर्शन देख लिया करें। नहीं तो ये कोड जो है ना, जो मैंने कोड लिखा हुआ होता है इसको भी बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो कोड की फाइल है ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ क्लास के एंड तक, ठीक है? बल्कि अभी भी सेंड की नहीं है, मैं इसको दोबारा भी सेंड कर दूंगा। अच्छा जी ये चेकबॉक्स हो गया, सॉरी रेडियो बटन हो गए थे, सॉरी चेकबॉक्स ही हुए थे अभी। अच्छा अब हम आते हैं रेडियो बटन के ऊपर, ठीक है? अब रेडियो बटन क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है? चेकबॉक्स तो हमने देख लिया कि मैंने इनपुट देनी है वैल्यू, तो उसके लिए चेकबॉक्स यूज कर लिया, ठीक है? तो अब रेडियो बटन का क्या काम है तो देखते हैं, हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अच्छा रेडियो बटन क्या किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर, ठीक है? अब जेंडर के लिए मैं यहाँ पे एक कर लेते हैं हम मेल, और यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट टाइप, यहाँ पे हम अब रेडियो बटन कर लेंगे रेडियो, और वैल्यू हो जाएगी हमारी मेल, और यहाँ पे हो जाएगी नेम। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं नेम अगर मैं मेल रखता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और फीमेल कर लेते हैं। अच्छा जी अच्छा, तो अब बात सुने थोड़ी सी कि हम चेक बॉक्स रेडियो बटन यूज क्यों करते हैं। हम रेडियो बटन इसलिए यूज करते हैं यूजुअली कि जो मेरे फॉर्म है ना उनमें मैं कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकूं, या वो मेल हो या वो फीमेल हो, ठीक है? लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं मेल और फीमेल। ये क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं दोनों, क्योंकि मैंने कोड में गलत लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैंने अब मैं फीमेल सेलेक्ट करूंगा तो मेल जो है वो हट जाएगा। तो फॉर्म में इसी तरह की ऑप्शन होती है ना, या आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इनपुट टाइप रेडियो करनी है, वैल्यू आप जो भी मेल रखते हैं या फीमेल रखते हैं जो भी वैल्यू रखें वो रखें, लेकिन जो भी इनपुट ग्रुप होगा उसके लिए आपने ये जो वैल्यू होगी ये सेम रखनी है, जिस तरह इसका नाम भी जेंडर है और इसका नाम भी जेंडर है, ठीक है? तो एक ही, क्योंकि ये एक ही वैल्यू जाएगी ना, या ये वाली वैल्यू जाएगी या ये वाली वैल्यू जाएगी पीछे फॉर्म के अंदर, ठीक है? तो और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्म लोड हो तो एक वैल्यू चेक्ड हो, तो वो ये इस तरह से, अब ये फॉर्म लोड होगा तो हमेशा जिस तरह से ये फिजिक्स चेक हुई हुई है इसी तरह से ये इसको हमने चेक कर दिया, ठीक है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रेडियो बटन हम इसलिए यूज करते हैं, ये जो रेडियो बटन है, कि मैं कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकूं, ठीक है? मैं जब एक वैल्यू सेलेक्ट करूंगा दूसरी ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखें अब ये मतलब चीज बनानी कैसे, इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू जो भी होगी मैं लिख दूंगा, लेकिन जो नेम होगा एक ग्रुप का, एक रेडियो बटन के ग्रुप का, वो मैं सेम होगा, जिस तरह यहाँ पे भी नेम जेंडर है और यहाँ पे भी नेम जेंडर है, ठीक है? इजी सी चीज है ये, और मेरे ख्याल में इसमें मसला नहीं होना चाहिए कोई। तो रेडियो बटन हम यूज करते हैं जब मैंने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करवानी हो, और ये हम कब यूज करते हैं, चेक बॉक्सेस कब यूज करते हैं, जब मुझे पता हो कि ये वाली वैल्यू सब यही वाली वैल्यू सबमिट होनी है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन आ गए हैं, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट यूजर नॉट टू एंटर सम करेक्टर इन टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा अब ये नॉट टू एंटर सम करेक्टर, ये वाला काम ना आप उससे कर सकते हैं JS से, ठीक है? मेरे ख्याल में HTML में ये कोई ऑप्शन नहीं होगी, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में HTML में ये वाली ऑप्शन नहीं होगी, ठीक है? सर लाइव सेशन FB के अलावा स्ट्रीम यार्ड पे भी देख सकते हैं क्या? यार स्ट्रीम यार्ड पे आपको इनवाइट है, ये यहाँ से जो लिंक होता है ना वहां पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं, जो फेसबुक की पोस्ट होगी ना यहाँ पे,
ये वाली पोस्ट होने नहीं, यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। हाँ स्ट्रीम यार्ड से देख सकते हैं, मैंने आपको वो लिंक नहीं दिया हुआ, ठीक है, मैं आपको इनवाइट कर देता हूँ, तो आप यहाँ से इस लेक्चर को देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अटेंडेंस का इश्यू होगा। आप फेसबुक से देख लें 15-20 मिनट, अगर आपने फिर भी स्ट्रीम यार्ड से देखना आप स्ट्रीम यार्ड से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉग इन करके देखते हैं, फेसबुक से लॉग इन करके स्ट्रीम यार्ड पे देखते हैं, तब भी ये चल जाएगा। सर एचटीएमएल के इतने एट्रीब्यूट्स याद कैसे रखेंगे? आप बिल्कुल ना याद रखें, मुझे भी नहीं याद रहते, मैं भी सर्च करता हूँ गूगल की, आप भी गूगल सर्च किया करें, ठीक है। एचटीएमएल में पैटर्न, एचटीएमएल में पैटर्न में होता है, यार ये होते हैं, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसे, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्रिएट करके डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, ये टॉपिक जरा थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं कवर कर लेता हूँ पहले। अच्छा जी, रेडियो बटन हो गए हमारे पास, ठीक है, उसके बाद आया था सिलेक्ट बॉक्स। अच्छा अब सिलेक्ट बॉक्स आप कह लें, सिलेक्ट बॉक्स और चेक बॉक्सेस जैसे ही होता है, लेकिन चेक बॉक्स, अगर काफी ज्यादा ऑप्शन है मेरे पास जिनमें से मैंने सेलेक्ट करना है, तो मैं चेक बॉक्सेस की जगह सिलेक्ट बॉक्स रखता हूँ, या ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ए सिलेक्ट बॉक्स ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट विच प्रोवाइड्स ऑप्शन टू द लिस्ट ऑप्शन टू लिस्ट डाउन वेरियस ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट फ्रॉम वेयर ए यूजर कैन सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शंस, ठीक है। अब ये सिलेक्ट बॉक्स कैसे करते हैं, या ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, ये हम देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे, हम ये अब जिस तरह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सब्जेक्ट्स दोबारा से, या कुछ और लिख लें, कोर्स लिख लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या करते हैं, या सिलेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और इसको हम नेम दे देंगे, और नेम हम दे देते हैं इसको कोर्सेज, ठीक है। अब अच्छा, अब यहाँ पे ना सिलेक्ट बॉक्स बन चुका होगा, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पॉपुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं, वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक कोर्स हो गया टेक्निकल का, टेक्निकल, वैल्यू नहीं है, ऑप्शन है, सॉरी, ठीक है, ये अक्सर याद नहीं रहते, तो मुझे भी नहीं याद रहते, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाएंगे आपको, और याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे रेफरेंस मिले हुए हैं, आप गूगल के पे सर्च करें, हमारे लिए तो बड़े आसान काम है, मतलब हमारे लिए, मतलब इस दौर में कि हाई स्पीड इंटरनेट और सर्च अवेलेबल है, तो याद करने का सोचें भी ना आप बेशक। तो अब ये ऑप्शन आ गया टेक्निकल का, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये टेक्निकल की ऑप्शन आ गया, ठीक है, लेकिन अभी एक ही ऑप्शन आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल ऑप्शन हो हमारे पास, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे, यहाँ पे हम इसको नॉन टेक्निकल कर देते हैं, एक को हम कर देते हैं क्रिएटिव डिजाइन। अब यहाँ पे देखें आप, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्रिएटिव डिजाइन, ठीक है, जो भी आपने सिलेक्ट करना है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ तक अभी तक, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अगर मैंने कोई ऑप्शन पहले से करना है कि ये वाली ऑप्शन आए मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्टेड कर सकता हूँ, ये सिलेक्टेड वो वाला सिलेक्टेड नहीं है जो आजकल सिलेक्टेड कहते हैं जिसको। अच्छा खैर, ये टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, अब नॉन टेक्निकल मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, तो वो सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा, अगर मैं क्रिएटिव डिजाइन को सिलेक्टेड करता हूँ, तो हमेशा मेरे पास वो
सिलेक्ट हुआ के आया हुआ होगा, पड़ा हुआ होगा मेरे पास, ठीक है। बल्कि हम यहाँ से ना इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ये ऑप्शन आ गए, बल्कि ऑप्शन सॉरी पहले क्या था, सिलेक्ट, और सिलेक्ट के ऑप्शन देख लेते हैं, सिलेक्ट के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। अच्छा अभी सिलेक्ट की ऑटो फोकस डिसेबल्ड, डिसेबल्ड क्या होता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर डिसेबल्ड लिखता हूँ मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो नजर नहीं आएगी, ठीक है। ये सिलेक्ट हुई भी है लेकिन नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसको मैं तुम बाकी काम ही करना बंद कर देगी। अच्छा उसके बाद क्या है, फॉर्म कि किस फॉर्म से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बिलोंग करती है, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, उसके लिए मल्टीपल लिखेंगे आप। रिक्वायर्ड का मतलब होगा कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपने कुछ सिलेक्ट करना ही करना है। अच्छा और साइज, हाँ साइज में होता है कि कितनी ऑप्शन एक वक्त में ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर आए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइज 2 कर देता हूँ इसका, अब मेरे पास क्या होगा, दो ऑप्शंस मुझे नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये स्क्रोलेबल बन गया, ठीक है। और अगर मल्टीपल ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट करनी है, मैं यहाँ पे मल्टीपल लिख दूंगा, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मैं दो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, तीन ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने की मुझे इजाजत देता है। और साइज क्या करता है ये, अब यहाँ पे देखें साइज में अभी मेरे पास खाली एक ऑप्शन ही सिलेक्ट हो रही है, इसको हम दोबारा वन कर देते हैं। मैं ये लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। अच्छा जी ये हो गया। कोई सवाल सर, टेक्स्ट बॉक्सेस की अलाइनमेंट में हम कैसे सेट करेंगे, इक्वल हो टेक्स्ट बॉक्स लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड। यार ये जो ये आप ना इसको जो मैंने टेबल्स पढ़ाई है ना आपको, आप उससे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने स्पेसेस दे के अलाइन किया हुआ है, लेकिन बल्कि मैं टेबल से करता तो वो ज्यादा आपको अच्छा आ जाता। तो अगर आप टेबल से करेंगे ना, एक एक एलिमेंट एक टेबल के बॉक्स में रखेंगे तो वो बिल्कुल सेम अलाइन हो जाएंगे एक जगह, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये तो हो गए इसके एट्रीब्यूट्स, अब हम ऑप्शन के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं ऑप्शन के। अब ये देखें, ये सारे के सारे जो नजर आ रहे हैं ना, ये एचटीएमएल के टैग्स हैं, हमने तो थोड़े से ही पढ़े हैं अभी, तो अब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी आप सर्च करेंगे आपको मिलता जाएगा। अच्छा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा होगा, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, डिसेबल्ड, कोई एक ऑप्शन डिसेबल करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। लेबल कि ये, अच्छा अब लेबल यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ये नॉन टेक्निकल यहाँ पे इस तरह नहीं लिखना, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ लेबल, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें क्रिएटिव डिजाइन, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ठीक है। और अगर मैं बैकएंड पे देखूँ तो टेक्निकल मैंने ऐसे लिखा हुआ है, और ऑप्शन लेबल में ये कह लें कि ऑल्टरनेटिव वे है इसको डिफाइन करने का, अच्छा। और कोई चीज रह गई है, सिलेक्टेड और वैल्यू, वैल्यू वही वाली चीज देखती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी आगे चलें अब। अच्छा अब हम आ गए हैं बटन कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। मुझे आप 2 मिनट दें, मैं जरा पानी पियाऊं, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, जो कोई सवाल है सर, टेक्सबुक की लाइन में आना चाहिए, मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, लास्ट दो चीज़ें रहती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरी बैटरी भी थोड़ी है आज, असल में थर्सडे को ना इस टाइम पे लाइट हमारी गई हुई होती है, तो मुझे लैपटॉप की बैटरी जितना ही लेक्चर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद हम कल मिलेंगे 10 बजे। हो सकता है दरमियान में ही बत्ती गुल हो जाए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं तब तक। अच्छा, अब जो हमारा काम रह गया वो है बटन कंट्रोल्स का। ठीक है, अब बटन हमें क्यों चाहिए होते हैं कि हमने वैल्यू को सबमिट वगैरह कराना होता है, फॉर्म को सबमिट कराना होता है, तो उसके लिए हम ये वाला काम करते हैं। ठीक है, तो अब जिस तरह से यहाँ पे हम कर लेंगे, एक स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट, ठीक है, ये मैंने बटन डाल दिया एक। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे, ये बटन आ गया। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैं पूरा फॉर्म फिल करता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखें, अब ये गेट था, गेट मेथड था। ठीक है, अब गेट मेथड से क्या होता है, अगर मैं मैग्नीफायर से आपको दिखा सकूँ, तो ये सारे का सारा फॉर्म ना, ये देखें, एफ नेम, इसका नाम एफ नेम था। ठीक है, और वहां पे उसकी वैल्यू क्या थी, माज, माज लिखा हुआ था। इसका नाम लास्ट नेम था, इस और इसमें यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई थी, अहमद। इसका नाम पासवर्ड था, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू क्या थी, 13 13 12, ये मैंने वैसे कुछ टाइप कर दिया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अच्छा, ये नहीं सबमिट हुआ, इसका नाम नहीं मैंने रखा था। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या था, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स की वैल्यू फिजिक्स आ गई। ठीक है, और जेंडर फीमेल, और कोर्सेज जो थे वो टेक्निकल। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है, ये सारी की सारी जो है, ये यहाँ पे आ गई। तो इसमें बाकी सारी चीजें अच्छा, मेरी लाइट नहीं थी आज, तो ये ख़त्म ही कर लेते हैं हम लेक्चर, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी भी थोड़ी सी रह गई है। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, आवाज़ आ रही है मुझे आपको? अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि हाँ, ये इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट, अब ये मैं मेथड इसको गेट करता हूँ, गेट है ये, इसको पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा आप कि मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, बल्कि इसको मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ।
है, और इसको मैं फिल करता हूँ, चेंज कर देते हैं वैल्यूज, सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब ये हैशटैग आ गया। ये हैशटैग क्या था, वो एक्शन था जहां पे मैंने लेके आना था, ठीक है। लेकिन बाकी सारे चीजें देखें तो वो उसी तरह से आ रही हैं, ठीक है। तो अब ये आपको देखेंगे कि हाँ, स्लैक पे मैं HTML फाइल रख देता हूँ, ठीक है। तो लेक्चर हम इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। मेरा आज लाइट का इशू है, मैं जल्दी से इसको फाइल को रख दूँ। कौन सा था ये, फॉर्म था ना, इसको मैं रख दूँ स्लैक के ऊपर। इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या थी, समरी, ठीक है। ये अभी मैंने इतनी लिखी है, अगर कुछ इसमें ऐड करना है तो वो हम ऐड भी कर लेंगे। और बल्कि मैं आपको ना लिंक्स वगैरह भी दूंगा, अगर मैंने फॉर्म्स आपने बनाने हो ना वैसे ही, तो आप ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर सर्च करें गूगल के ऊपर, ठीक है। तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन HTML जनरेटर, ठीक है। तो ये PHP फॉर्म है, बूटस्ट्रैप CSS फॉर्म बिल्डर है, ठीक है। फ्री HTML फॉर्म जनरेटर, डॉट फॉर्म, ये अच्छा, ये है, अच्छी साइट है। कोड इनटू फॉर्म, इसका मुझे पता नहीं है, ये वाले मैंने यूज़ किए हुए थे पहले कभी, तो अच्छा इसके लिए साइन करना पड़ेगा। हाँ, ये बूटस्ट्रैप है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपने ये टेक्स्ट इनपुट वगैरह, रेडियो बटन वगैरह, कोई भी आपके पास चीज़ है आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसका कोड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप मैं जनरेट कर ड्रॉप कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपने उसके हिसाब से, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया है, बटन ड्रॉप है, ड्रॉप डाउन बटन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स भी पड़े हुए होंगे, ठीक है। ये मैं लिंक, ये वाला लिंक भी आपको जनरल के अंदर दे देता हूँ। हो गया, तो मेरी बैटरी भी खत्म हो गई है। मैं समरी में तो ये वाली चीजें भी ऐड कर दूंगा जो जो मैंने देखी थी, लिखी थी, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर हम 10 बजे के करीब। अपना ख्याल रखिएगा और ये प्रैक्टिस जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, एक सवाल आ गया अभी तक। सर, ये गूगल फॉर्म की क्या टाइप होती है? यार, ये जो गूगल फॉर्म होता है ना, ये कह लें आप, ये बैक एंड पे पहले से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये HTML का फॉर्म, HTML का इसमें इनपुट वगैरह होती है, लेकिन अगर इसको देखें तो यहाँ पे यही आपको इनपुट टाइप, टेक्स्ट, क्लास फलाना और ऑटो कंप्लीट, ऑफ वगैरह सारा कुछ लिखे लिखा हुआ नजर आएगा। तो जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड आपका ये HTML में बना हुआ, और ये वही चीजें हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो ये इनपुट टाइप किधर गया, ये अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ होगा इसका। हाँ, ये इनपुट टाइप हिडन है वैसे, और इसके ऊपर लिखा होगा, क्योंकि तो ये रेडियो है ना, हम रेडियो ही सर्च कर लेते हैं। ये असल में कंप्यूटर जनरेटेड कोड होता है, तो इस इतना कॉम्प्लेक्स होता है। खैर, इनपुट टाइप रेडियो आपको नजर आ ही जाएगा। टाइप इज इक्वल टू रेडियो, चलिए खैर। तो ये फ्रंट एंड जो है वो तो HTML में बना हुआ होता है, बैक एंड जो है वो किसी और चीज में बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं 10 बजे के करीब। अल्लाह हाफिज़।